उपमंडल गौहर के चौगान में बांके बिहारी गौ सदन चौगान की पहल से क्षेत्र की आवारा पशुओं को संजीवनी मिली है, क्योंकि लॉकडाउन में आवारा पशुओं को चारे की समस्या उत्पन्न हो रही थी। इस समस्या से निजात पाने के लिए नवनिर्मित भवन में बांके बिहारी गौ सदन के सभी सदस्यों की पहल से चेल चौक व गोहर क्षेत्र में सैकड़ों आवारा पशुओं को ठिकाना मिला है। अभी शुरुआत में इस गौ सदन में 40 पशुओं के लिए शेड बनाया गया है, लेकिन शुरुआती दौर में 11 पशुओं को ही इस गौ सदन में ठिकाना मिल पाया है। बांके बिहारी गौ सदन के सदस्य राम सिंह ने बताया कि गौ सदन में आवारा पशुओं को स्थानीय लोगों का सहयोग मिलना जरूरी है। स्थानीय जनता के सहयोग से गौ सदन में बांधे गए पशुओं को किसी भी तरह की समस्या ना आए, इसके लिए लोग भी आगे आए। मेरा नाम राम सिंह पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बासा, एक बांके बिहारी गौ सदन चुगान नौगांव में का मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ। और हमारे यहाँ जो ये गौ सदन हम लोगों ने सहयोग से चलाया है, इसमें 10-11 गौएं हमने रखी है यहाँ पर। इनको चलाने के लिए थोड़ी हमको दिक्कतें आ रही है कि कहीं ग्रामीण के लोगों से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है। तो मैं निवेदन करूँगा सभी गाँव वासियों से, सरकार से भी मेरा निवेदन है कि हम इसको छोटे से क्या भैया बड़े रूप में चलाएं इसको, लेकिन हमारे पास घास की पैसे की कमी है। तो अगर सरकार या गांव वाले हमारा सहयोग देते तो हम और पशु भी यहाँ रखेंगे। अभी 11 रखे हैं, बाद में हम ज्यादा रखेंगे, बस मैं इतना ही कहूँगा। प्रधान महेंद्र वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गोहर उपमंडल का ये पहला गौ सदन अभी पूर्ण रूप से तैयार हुआ है और लॉकडाउन के चलते क्षेत्र के बेसहारा पशु भूखे ना रह जाएं, इसके लिए बांके बिहारी गौ सदन के सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय लिया है कि गौ सदन की शुरुआत लॉकडाउन के समय ही कर देनी चाहिए। आवारा पशुओं की सुविधा के लिए गौ सदन को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया है। वह महेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से गौ सदन में अपना सहयोग देने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि सभी सदस्यों के सहयोग से शुरुआती दौर पर चेल चौक, गणेश चौक व चचियोट क्षेत्र के 11 पशुओं को गौ सदन में रखा गया है। इसके लिए चारे का भी उचित व्यवस्था यहां की गई है और जैसे ही स्थानीय जनता का सहयोग मिलेगा तो यहां पर अन्य पशुओं को भी लाया जाएगा, ताकि क्षेत्र में बढ़ रहे आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को भी बचाया जा सके। हमने इस गौ सदन का शुभारम्भ जो है आनन फानन में लॉकडाउन के बीच में शुरू किया था। हमने 21 अप्रैल को इसका श्री गणेश किया था स्थानीय पंचायत प्रधान के माध्यम से। उस समय लॉकडाउन के दौरान जो है बहुत दयनीय स्थिति थी पशुओं की जो हमें इर्द गिर्द दिखी, इसलिए हमने उस समय सोचा कि भाई जितना हम इनके लिए मदद कर सकते हैं उतना हमने करने की कोशिश की। और 11 पशु जो है हमने चैल चौक, गनई, कटलोग के एरिए से पकड़ के जो हम पकड़ सकते थे इजिली उनको हमने गौ सदन में रखा। धन्यवाद। महेंद्र सिंह वर्मा, प्रधान बांके बिहारी गौ सदन चौगान, तहसील चचो, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज रविवार का दिन होने के नाते हमने यहाँ एक छोटी सी मीटिंग करी और आने वाले टाइम में पशुओं के लिए हरे चारे की बिजाई के बारे में आगे की व्यवस्था तैयार की। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय जनता और स्थानीय व्यापारियों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि इस गौ सदन को सुचारू रूप से चलाने में और इसका विस्तारीकरण करने में, इसको ज़्यादा बढ़ाने में अपना योगदान दें। अभी हमने गौ सदन में 11 पशु रखे हुए हैं और जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार हमने इसकी संख्या निर्धारित की है। अब लोग कहते हैं कि इसमें और पशुओं को रखा जाए, हमारे पास लगभग 40 पशु रखने की व्यवस्था है, लेकिन संसाधन ना होने की वजह से अभी हम उतने पशु नहीं रख पाएंगे। यदि हमें बाहर से कोई सहायता मिलती है तो हम इसमें 40 तक पशु रखने के लिए सक्षम होंगे। तो इसलिए मेरा सभी दानी सज्जनों से निवेदन रहेगा कि इस गौ सदन को अच्छे तरीके से चलाने में, पशुओं की संख्या बढ़ाने में हमारी मदद करें और इसमें अपना योगदान करें। हमने इस गौ सदन का शुभारंभ जो है